कांग्रेस ने आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 17 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने बिहार के कटिहार से तारिक अनवर, किशनगंज से मोहम्मद जावेद और भागलपुर से अजीत शर्मा को टिकट दिया है। इसके अलावा पार्टी ने आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष YS शर्मिला रेड्डी को कडप्पा लोकसभा सीट से और पूर्व केंद्रीय मंत्री MM पल्लम राजू को काकीनाडा लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। पार्टी अब तक 230 से ज्यादा उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। इससे पहले कांग्रेस ने 9 अलग सूचियों में 212 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की 11वीं सूची में आंध्र प्रदेश की 5, बिहार की 3, उड़ीसा की 8 और पश्चिमी बंगाल की 1 सीट शामिल है। पार्टी ने बिहार के कटिहार से एक बार फिर अनवर को उम्मीदवार बनाया है। पिछले साल लोकसभा चुनाव में उन्हें जनता दल यू के उम्मीदवार दुलाल चंद गोस्वामी ने पराजित किया था। एक बार फिर से उनका मुकाबला गोस्वामी से होगा। कांग्रेस ने बिहार की किशनगंज लोकसभा सीट से अपने मौजूदा सांसद मोहम्मद जावेद को टिकट दिया है। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक अजीत शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें, कांग्रेस बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों में से 9 पर चुनाव लड़ रही है। वहीं 26 सीटों पर उसकी सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल और 5 सीटों पर वाम दल चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में गठजोड़ के तहत कांग्रेस के हिस्से में 9 सीटें किशनगंज, कटिहार, पटना साहब, भागलपुर, सासाराम, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण और महाराजगंज आई हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 114 और उड़ीसा विधानसभा चुनाव के लिए भी 49 उम्मीदवार घोषित किए हैं। देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होंगे। इसके बाद 6 और चरणों में 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान होगा। मतगणना 4 जून को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, SG News।